हेलो इंस्पायर्ड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अभी इस कोरोना के टाइम पे। सो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। जिन स्टॉक्स के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने इन स्टॉक्स के नाम भी सुने होंगे। सो बने रहिए लास्ट तक उन स्टॉक्स के नाम जानने के लिए। लेट्स बिगिन। सो तब सबसे पहला स्टॉक है कौन सा हो सकता है। सबसे पहला स्टॉक है ADF फूड्स। हम सभी को अचार खाने का बहुत मन होता है। हम में से हर कोई अचार खाता है, आम के अचार, तरह तरह के अचार होते हैं, मिक्स्ड अचार भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट अचार बनाती है? तो वो कंपनी है ADF फूड्स। आप अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए 37% एक साल में इसने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। इसका आप CAGR देखेंगे तो कमाल का है, 328%। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि अभी मार्केट क्रैश के टाइम पे ये स्टॉक 150 रुपये से भी नीचे आ गया था, लेकिन तब मुझे इस स्टॉक के बारे में पता नहीं था। अब ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 400 के आसपास चला गया है। सो मैं अब वेट कर रहा हूँ कि और नीचे आएगा थोड़ा, तब मैं इसको परचेज़ करूँगा। लेकिन आप अगर अभी इसे परचेज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और स्टॉक परचेज करने के लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट, तो आप अपना डीमैट अकाउंट ज़ेरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, जो कि है इंडिया का नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर। आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है वाडीलाल आइसक्रीम। हम सभी ने तो इस तरीके के आइसक्रीम खाए होंगे शादी वगैरह में, फंक्शन में, बर्थडे पार्टीज़ में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट आइसक्रीम बनाती है? तो वो कंपनी है वाडीलाल आइसक्रीम। आप इसका प्रॉफिट देखिए, 2018 में 14.8 लाख, 2019 में 8.9 लाख। क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल कंपनी है अभी, लेकिन अभी धीरे धीरे जब ये कंपनी ग्रो करेगी तो आप सोचिए इसके प्रॉफिट और बढ़ेंगे। तो आपको इस कंपनी को मिस नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही ख़राब कंपनी, इसने अपना प्रॉफिट कम कर दिया है एक साल बाद, मतलब ख़राब परफॉर्म कर रही है। लेकिन नहीं, आप अगर इसका CAGR देखेंगे तो देखिए 513% इन लास्ट 5 ईयर्स। समझ रहे हैं, 513%। नेक्स्ट जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, गारंटीड आप लोग नहीं जानते होंगे, और वो स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप देख सकते हैं 30.8%, मतलब 31%। और बैंकिंग सेक्टर वैसे भी इंडिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी कुछ सालों से। तो आपको इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। आप इसका CAGR देखिए 126% इन लास्ट 5 ईयर्स। आपको एक चीज़ बता दूँ, इस स्टॉक का प्राइस जनवरी में था 1200 रुपये, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ ये 500 रुपये से भी नीचे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 50% से भी नीचे गिर गया है। तो आपको इस स्टॉक को अभी के अभी खरीद लेना चाहिए, जितना भी दाम हो आप इसको खरीद लीजिए, आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बायोकॉन। बायोकॉन एक फार्मा कंपनी है। इंडिया में अभी फार्मा कंपनियों का ही दौर चल रहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मेडिसिन ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मेडिसिन हर टाइम पे ज़रूरत होता है। तो बायोकॉन ही एक ऐसा कंपनी है जो अभी बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं 143% का इसने अपना प्रॉफिट ग्रोथ दिया है एक साल में। इसका आप अगर CAGR देखेंगे तो वो तो भयानक है, 444%। ये स्टॉक उतना ज़्यादा गिरा नहीं है कोरोना के टाइम पे, क्योंकि ये फार्मा कंपनी है, फिर से इसका डिमांड बढ़ गया है इस स्टॉक का, और इस कंपनी का भी डिमांड बढ़ गया है। तो ये लो गया है, 270 तक गया है, लेकिन उसके बाद अब फिर से 500 को छूने वाला है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बर्जर पेंट्स। हम सभी ने शायद नाम सुना भी होगा, और किसी ने सुना नहीं भी होगा, लेकिन फिर आज तो सुन लिया है आपने। तो इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो इसने एक साल में दिया है 8% का प्रॉफिट, और इसका CAGR है 288% लास्ट 5 ईयर में। तो देखिए कितना ज़्यादा है इसका CAGR। अब आप अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो पेशेंस चाहिए। सो बने रहिए, आपको भी स्टॉक मार्केट में बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जिस स्टॉक के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि आप स्कूल कॉलेज में पानी तो पीते होंगे फ़िल्टर वगैरह से। तो जिस फिल्टर से आप पीते हैं वही फ़िल्टर बनाने वाली कंपनी है, तो वो कंपनी है ब्लू स्टार। आप में से हर किसी ने शायद इस टाइप के फ़िल्टर से पानी पिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कौन सी कंपनी बनाती है इसको? तो वो कंपनी है ब्लू स्टार। आप अगर ब्लू स्टार का प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए 32% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है इसने एक साल में, और इसका CAGR तो वाह 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 366% लास्ट 5 ईयर में।
ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, 450 रुपये से भी नीचे आ गया है, जबकि ये ट्रेड कर रहा था 900 रुपये के आसपास जनवरी में। तो देखिए 50% से भी नीचे गिर गया है ये, तो आपको इस स्टॉक को भी मिस नहीं करना चाहिए। आप ज़रा अपना पैर देख लीजिए एक बार, आपने किस टाइप का चप्पल पहना है, तो वो शायद रिलैक्सो का ही चप्पल होगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग स्पार्क्स, फ्लाइट, रिलैक्सो इसी टाइप के कंपनी के चप्पल पहनते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रिलैक्सो। अब देखिए रिलैक्सो का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए 39% का इसने प्रॉफिट दिया है एक साल में, 38.8 ऑलमोस्ट 39 ही है मान लीजिए। इसका CAGR भी भयानक है, 250% लास्ट 5 साल का CAGR है इसका। ये स्टॉक भी बहुत गिरा है, ये करीब 900 रुपये के आसपास था, लेकिन अब आपको मिलेगा ये 500 रुपये के आसपास। तो आप सोचिए कौन सा बेटर होगा अभी। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डाबर। अब डाबर के तो प्रोडक्ट्स हम सभी लोग यूज़ करते हैं, डाबर के टूथपेस्ट, डाबर च्यवनप्राश, ग्लूकोन डी, डाबर हनी, कितने प्रोडक्ट्स होंगे भाई इसके। इसका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो है 6.9% एक साल में, और इसका CAGR 194% इन लास्ट 5 ईयर्स। तो आप सोचिए कितना अच्छा ग्रोइंग कंपनी है ये, और आगे भी और भी ऐसे ग्रो करता रहेगा। आपको अगर कुछ जानने को मिल रहा है ना तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है हैवेल्स। आपके घर में जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं या फिर स्विचेस है या फिर इलेक्ट्रिक के PVC है वो हैवेल्स के ही होंगे, क्योंकि हैवेल्स है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक कंपनी इंडिया का। आप अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो वो है 16.5%। हैवेल्स सिर्फ PVC और स्विच नहीं बनाती है, फैन वगैरह सब कुछ बनाती है ये कंपनी। इसका CAGR भी देखिए भयानक है, 166% इन लास्ट 5 ईयर्स। ये स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, 650 तक उसका मैक्सिमम था, लेकिन अभी ये 450 के आसपास आपको मिल जाएगा। और आज का लास्ट कंपनी है जुबिलेंट लाइफ साइंस। ये एक फार्मा कंपनी है, फिर से फार्मा कंपनी। ये बहुत ही अच्छा फार्मा कंपनी है, क्योंकि अभी फार्मा कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए 11.89% इसने एक साल में ग्रो किया है अपना, और इसका CAGR देखिए 438% इन लास्ट 5 ईयर्स। तो आप